मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड प्लीज स्टार्ट योर डे. हैप्पी वीकेंड्स टू एवरीवन. सैटरडे संडे ऑसम. तो बस चलिए अपने अपने वीकेंड की शुरुआत करते हैं, दिन को एंजॉय करते हैं और बस क्या ही होता है, एंजॉय ही करेंगे और क्या करेंगे वीकेंड को. चलिए हम भी रेडी होते हैं अभी वर्कआउट के लिए. जिम जाना है मुझे, ब्रश करना है. हाँ जी, तो आई गॉट रेडी फॉर माई जिम. चलो अभी फटाफट से गर्म पानी पीते हैं या कुछ तो भी खाएंगे पियेंगे ताकि वर्कआउट के टाइम पे एनर्जी बनी रहेगी और फिर हम हमारा वर्कआउट करके आ जाएंगे. जी दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जिम से वापस आ गई हूँ. चलो चलते हैं घर. घर जाके नहाते हैं फिर कानों को भी नहलाते हैं. गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, कृष्ण 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 करूं आरती तेरी, तुझ पियो कान्हा बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं. चलो अब हमारे काना को हम भोग लगाएंगे. ये टूटी नू, ये लो काना. चलो भोजन स्वीकार करो. खालो 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 खालो. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आइए पोहा बना रही हूँ खाने के लिए. ऐसा मत सोचिए कि हम आ जाएंगे अचानक तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. हम बनाएंगे, दिल से बना के खिलाएंगे. मेहमान को स्वागत करना चाहिए, भगवान समान होते हैं. और आप लोग कैसे हो? बहुत दिन के बाद मैं बात कर रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं था. है ना, प्रिया बात करती है आप लोग से. और आप लोग अच्छे हो ना? ठीक है, जब मन करे तब आइए हमारे घर घूमने के लिए. आप लोग छोटी सी कुटिया में आइए, छोटा सा कुटिया. हमेशा बुला रही हूँ, बात करना. कोई तो आ जाओ यार, ये बुलाने पे आके खा के जाओ. हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली चलो आज फिर से थोड़ी सी बात करते हैं और ये बात हम करेंगे हमारे पिता के लिए. तो कैसा होता है कि
बेटियां जो होती है ना वो घर की लक्ष्मी तो होती हैं, माँ के लिए बेटी भी होती है, लेकिन पिता के लिए वो बहुत कुछ होते हैं। ऐसा होता है मतलब बेटियों का कनेक्शन उनके बाप से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत मतलब हद से ज़्यादा होता है, इतना बेटों का नहीं होता। बेटों का कनेक्शन माँ से होता है और बेटियों का बाप से। बेटियों के लिए बाप उनके लाइफ के पहले सुपर हीरो होते हैं, जो ना उन्हें कभी वो निराश करते हैं, ना कोई उनका दुख देख सकते हैं। उन्हें जो चाहिए वो इमीडिएट बेसिस पे ला के देते हैं, जो अपनी सारी इच्छाएं भूल जाते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। तो ये लाइन मैं हर एक पिता को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जिनकी भी बेटियां हैं या जिनके बेटे हैं। बेटे निराश मत होना, ये आपके लिए भी है। तो यस, तो ये बेसिकली अगर लाइक मेरे पापा और मिश्रा अंकल ये व्लॉग देखेंगे तो उनके लिए मैं कुछ लाइनें बताना चाहती हूँ। ये कविता मैंने तो नहीं लिखी है, पर मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी सुना दूँ। बिना आवाज़ और आंसू के जो रोता है वो बाप होता है, जो ना अपनी आंसू दिखा पाए और ना आवाज़ निकाल पाए। तो बिना आवाज़ और आंसू के जो रोता है वो बाप होता है, जो अपने बच्चों की तकलीफ़ों के छेदों को अपनी बनियान में पहनता है वो बाप होता है। आप अक्सर अपने पिता का बनियान देखना, एक तो छेद हुआ ही रहेगा उसमें। तो ये एक बहुत ही गहरी लाइन है कि वो अपने बच्चों की तकलीफ़ों को, तकलीफ़ के छेदों को अपनी बनियान में पहनता है, वो बाप होता है। ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, ये सच है कि 9 महीने पालती है माँ हमें पेट में, पर वो 9 महीने जो हमें दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। तो ये लाइन उन सभी पिता के लिए और स्पेशली मिश्रा अंकल और पापा के लिए। तो आई होप मिश्रा अंकल आपको ये अच्छा लगेगा, और क्योंकि आपसे मैं ये वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगी कि पिता ने तो हमें बहुत ही प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, और देते भी, मतलब पापा हमारे बेस्ट हैं, लेकिन जो आपसे हमें प्यार मिला अनएक्सपेक्टेड था, क्या बोल सकते, अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस कभी सोचा ही नहीं था कि आपके जैसा इंसान भी हमारी लाइफ में आएगा, और एक जैसे चाचा बन के जो प्यार देते हैं वो जो आपने दिया हमें, अभी क्या ही बताएं, मैं बस रो नहीं सकती। लेकिन मैं आपको दिल से बहुत, हमेशा आप जानते ही हो कि मैं आपको कितना थैंक यू बोलती हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू अंकल, थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट। आई 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 हेल्दी नाश्ता। अरे वाह, देखो प्रिया क्या लाए अंकल। पर है क्या ये, देखो ये पहले आटा के देखा ही केना बनल बा, ला खा के बताओ। आज तू टेस्ट करा, हमेशा हम करे नहीं, तू ही बताओ। तारे का तेल में बताओ पहले, सिर्फ मेरे लिए आया अंकल, अम्मा के लिए नहीं लाए, सबके टेस्ट के लिए आया। ये पहली बार ट्राई किया है, 8 पीस बना था, 4 पीस घर पे रखे हैं। तो पापा ही खिलाओ, पापा मुंह खोल लेवा नहीं, टेस्ट करो, ले ना रोवे करे, पूरी मत हो गए उसे खाए, ऐसे हां पानी पूरी खाने। लगा तो कुछ हो अंडा के पियर अंडा के स्टेप में आया है। हां आप कुछ बोलें पापा, ना कैसे लगा था बोली सुबह होने तक ही ना, तू खा ले। हां तू खा ना पहले, बहुत अच्छा। क्या नाम है अंकल इस डिश का, हमको भी नहीं मालूम बेटा, हम यूट्यूब में देखे हैं बनाए हैं। देखा तो नहीं है, तो ये देखा नहीं है, हम पानी अच्छा बिहार सवेरे ट्राई करा। ये कितना पतला पतला ना, कहीं से कहीं कांच निकल, देखा तो नहीं कितना पतला पतला लाल एकदम से कह। एक तो आधी कटोरी वाली आलू लिट्टी है। कटोरी वाली आलू।
तो कहा तेरे अभिने तो हम बतिया होते रखने तो नॉर्मल अब जाक भैने हैं। हम कहें ठीक है नॉर्मल बोली ऐसे। हम कहें एक काम करो दादी तोरे फोटो हटा देता नहीं हो ना रही ना याद कर बुत ना रही पास दबाजी बासुरी दादी की याद करके माई बेटी तुम्हें रोल कर हाँ अपने रोई सुर भी रो के सोई है। हम मेरी सुर भी के स्कूल जा रहे हैं ऐसे क्यों की। सुबह एक दिन अपने बाबा के लिए इतना रो रही थी रात के 12-1 बजे सोई थी एक बार उठी अब बैठे बैठे लगी रो। हम लोग सोए दोनों लोग और रो रही है तब तक वो उठी आ चुप तो वो चुप करा रो भी नहीं तो तब हमको जगा रही है। देखे क्यों बहनी रो रही क्यों रो रही क्यों रो रही। तो जब हम उसको गोद में लेके हाल में लेके गए उसको थोड़ा घुमाए घुमाए तो थोड़ा नॉर्मल हुई तो बोल के तो बोल रही दादा मतलब बाबा को बहुत याद आ रहा है बहुत याद आ रहा है। छोटे से थे तो हमारे लिए चॉकलेट लाते थे तो कभी भी बच्चों को आ सकता है। उसको 1-2 घंटे तक घुमाने उमाने के बाद नॉर्मल हुई जब तो उसी समय हम लोग को रहने गए हम लोग भी रोने लगे मियाँ बीबी और फिर उसके फिर सुबह रोने लगे। हाँ उसके बाद रात को ही फोन कर दिए दादी के पास सुबह अब उधर से फोन पे भी रोना चाहिए बापों के याद करके कोई किसी को चुप कराने वाला नहीं था। हाँ रो रहे हैं हम लोग घर भर घर भर कोई किसी को चुप नहीं कराया। कभी कभी प्यार है जिससे प्यार मिलता है ना उसके याद में रोना ही आता है। बच्चों की वजह से कभी कभी याद आ जाता है रोना आ जाता है इसलिए बोलते हैं जीते जी जितना हो सके उतना मान सम्मान कर लो। लेकिन दुनिया में क्या है मरने के बाद लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा था ये बहुत ऐसा था वैसे कुछ जीते जी कुछ समझता नहीं है। कोई भी फैमिली मेंबर हो चाहे कोई भी हो उसकी अहमियत कम मालूम पड़ती मरने के बाद बिछड़ने के बाद जीते जी अहमियत नहीं मालूम पड़ती है। अभी हो रहे हैं 3:30 और चलिए फटाफट से कान्हा को कुछ भोग लगाते हैं क्योंकि दोपहर हो गया है कुछ तो उन्हें खिलाना पड़ेगा ना। अभी सिर्फ कान्हा ने 2 बार ही खाया है। कैसे जा रही है मेरी छुट्टी से बोरिक बोरिक जा रही है महिमा भी नहीं है। चलो भोग लगाते हैं। ये लो कान्हा ये लो का गावे लोग भोग लगा रहे थे मेरे राम आइए सीता संग लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। कह रहे हो तेने गाना सुन के प्रिया के एक ना एक दिन तो शादी ब्याह करबे करे मिलो के विदा करबे करे रोला से काम चली बेटी होलो दूसरा क्यों घर तो जेबे कर लो इतना मत रोई चुप हो जे एले काई देखा है आंसू बाप रे कहती भी है कि पापा बहुत प्यार कर लिए। अभी आज के ब्लॉग देखिए आप प्रिया के सुन के कितना रो रहे हैं बहुत अपनी बेटी से प्यार करते हैं है तो पापा। नमकीन दे दे पापा इस खाने के लिए फटाफट से हम भोग बनाते हैं और सबसे पहले हम ऑन करेंगे किचन का लाइट। तो आज मैं बेसिकली बनाऊंगी सूजी का हलवा जो सबके घर में रोज ही बनता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कान्हा का बर्तन धो लेंगे मतलब भोग बनाने का बर्तन। ऑलरेडी ये धोया हुआ है फिर भी मैंने सोचा है ये बर्तन धोया हुआ है हमें बस इसे धोना है। तो फाइनली मैंने कान्हा के लिए हलवा बना दिया है और वही मैं उनको रात को अभी खिलाऊंगी भोजन में। चलो गाइस क्योंकि आज छुट्टी है तो मैंने सोचा मैं मेरा थोड़ा सा कपड़ अच्छे से करूं और सामान को कपड़ों को अरेंज करूं। लेट्स गो गेट सेट गो आओ मिस्टर अंकल कहते आओ ये है मेरे कुछ फॉर्मल पैंट्स। कब मिली बनी
घर में हो रहा है कुछ तो हो रहा है, मैं देख के आती हूँ। यार गाइस, दोस्तों, लड़कियों, मेरी बहनों और मेरी सिस्टर्स, जब मैं कपड़े साफ करती हूँ ना, उसी दिन मुझे लगता है कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। और जब कहीं जाना होता है कुछ पहन के, तब लगता है भाई साहब कपड़े ही नहीं है। ये सारी लड़कियों की प्रॉब्लम है या मेरे ही प्रॉब्लम है? अगर आप सबको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं ये रिलेट कर पाऊंगी कि नहीं नहीं मैं इस दुनिया में ये अकेली नहीं हूँ जिसे ये प्रॉब्लम है। हाँ ना यार, मतलब क्या है, क्या ही बताएं अभी आपको, क्या ही बताएं। बताइए ज़रा, ये देखिए शर्ट का क्या हाल हुआ है। फॉर्मल्स तो हमें लगते ही है भाई एवरी वीकेंड, तो सबसे पहले अगर आएगा तो ऑफिस वेयर्स। टॉप वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपने ऑफिस वेयर्स को अच्छे से रखेंगे। अकिया तू मेरा नाराज़ आई है दिल प्यार की, ये सब हमने किया है, हमने क्या कलाकारी करते रहते हैं हम। एक्चुअली कैसा होता है ना, मैं ऑफिस जब जाती हूँ ट्राई कुछ और करती हूँ, पहन के कुछ और जाती हूँ। एक पैसे मन ही नहीं आता जब तक दो तीन पसंद ना करो, नहीं नहीं ये शर्ट नहीं, ये वाला शर्ट, ये नहीं ये, ऐसा हो जाता है मेरा। तो फटाफट से हम बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं आज मेरे को, इतना सारा काम ले लिया आज मैंने खुद के सर पे जो मुझे बिल्कुल नहीं करना होता। वीकेंड का सबसे बड़ा क्या बोल सकते हैं चैलेंज। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, इस तरीके से कपड़े अरेंज करते करते हमारा अभी भी काम कंटिन्यू रहेगा। टिल देन आप लोग ब्लॉग देख के इंजॉय करिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए धड़ाधड़ लाइक ठोकिए, और बस शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, महिमा की खांसी को अवॉइड करिए। सो टिल देन, गुड नाइट गाइज, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैप्पी संडे।